हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, आपको बार ग्राफ बताया था और पाई चार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता चुके थे, ठीक है। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज के इस वीडियो में पाई चार्ट को कंटिन्यू करेंगे और टाइम के बारे में भी राहुल सर आप लोगों को डिटेल से समझेंगे। आज का जो वीडियो है वो क्लास सेवन्थ के लिए है, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ सेवन्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगप सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं पाई चार्ट के बारे में, ठीक है। जो कि जैसे कि लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका था मैं आप लोगों से, मैं एक बार और डिटेल में बता दूं पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट बोला जाए तो एक तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ या डायग्राम बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या शो करता है, परसेंटेज कंपोजिशन शो करता है, ठीक है। क्या शो करता है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब किसका परसेंटेज, यानी कि सर्किल की फॉर्म में भी ये शो कर सकते हैं, स्लाइस की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा ए पाई चार्ट, ठीक है, लिखिएगा थ्योरी, ए पाई चार्ट इज ए काइंड ऑफ ग्राफ, ठीक है, इज ए काइंड ऑफ ग्राफ, ठीक है, और डायग्राम, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या होता है, एक तरीके का ग्राफ का एक प्रकार है या डायग्राम है, जो कि क्या शो करता है, विच शोज, आगे लिखिएगा विच शोज, SHOWS, ठीक है, विच शोज द परसेंटेज, PERCENTAGE, ठीक है, जो कि क्या शो करता है, शो द परसेंटेज, ठीक है, कंपोजिशन, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन शो करता है ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी आपको वैल्यू दी गई हो उससे रिलेटेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्लाइस, ठीक है, आगे लिखिएगा इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्या लिखा, इन द फॉर्म ऑफ स्लाइस, SLICE, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्लाइसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्लाइसेस ऑफ अ सर्किल, CIRCLE, ठीक है, यानी कि स्लाइसेस ऑफ अ सर्किल, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखिएगा, ठीक है, सर्किल के ब्रैकेट में लिखिएगा द होल सर्किल, WHOLE, द होल सर्किल, क्या लिखा ब्रैकेट में, द होल सर्किल रिप्रेजेंटिंग 100%, ठीक है, यानी कि जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट करता 100% को, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा आ पाई चार्ट शोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ठीक है, क्या लिखा आप, पाई चार्ट शोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन किसका, एयर का, ठीक है, ऑफ एयर, ठीक है, इज गिवन, ठीक है, जो कि आपको दिया जाता है, ठीक है, उसका भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर, ये मैं बना करके आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, चलें आगे। तो मैं एयर कंपोजिशन पाई चार्ट बताऊंगा, नीचे हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, हेडिंग डाल देता हूं मैं, एयर कंपोजिशन पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट इस तरीके का होगा, देख लेना, एयर कंपोजिशन पाई चार्ट, इज दैट क्लियर। चलिए जी आगे, किस तरीके से बनेगा डायग्राम मैं बना करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एयर कंपोजिशन पाई चार्ट, इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, ऐसे बनाना है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से राउंड शेप हम बना देंगे, ठीक है, राउंड शेप की जगह आपको अलग टाइप से बनवा देता हूं, चलिए जी, ठीक है,
ठीक है बनाइए, ठीक है इस तरीके से बनाई दिया। यहां से भी ऐसे राउंड शेक कर दीजिए आप लोग, ठीक है बना दिया इस तरीके से बनाइए आप लोग, ठीक है बना दिया, बहुत अच्छी बात। ठीक है नीचे की तरफ देख लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से आप यहां से राउंड शेक कर दीजिए, ठीक है इस तरीके से, ठीक है ठीक है बहुत अच्छी बात। और इसको थोड़ा सा स्लाइस की फॉर्म में डार्क कर दीजिए, ठीक है मैं हल्का सा इसे डार्क कर देता हूँ, ठीक है मैं हल्का सा इसे डार्क कर रहा हूँ, देख लीजिएगा अब तो आ गया होगा आप लोगों की समझ में क्या करवा रहे हैं राहुल सर। ठीक है ये मैंने डार्क कर दिया, ठीक है इज दैट क्लियर। अब पाई चार्ट में क्या करोगे आप लोग, आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या करना है, ठीक है और ये डिवाइडेशन करना है एयर कंपोजिशन, तो सीधी सी बात है मैंने ये कर दिया, ठीक है ये मैंने कर दिया इज दैट क्लियर। और ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर दिया इज दैट क्लियर, आ गया समझ में, आ गया होगा समझ में। और इसको मैं थोड़ा सा डार्क इधर मैंने कर दिया, देख लीजिएगा थोड़ा सा डार्क मैंने इधर भी कर दिया, इज दैट क्लियर। देख लीजिएगा आगे होगा समझ में, ठीक है। और ये वाला पार्ट अलग रह जाएगा, कौन सा वाला, मैं इसको इस तरीके से मैंने किया था, ठीक है ये वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया, बाकी का पार्ट अलग रह जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ये है आपके ऑक्सीजन, ठीक है 21%, ये पाई चार्ट है, सीधी सी बात है पाई चार्ट है, ठीक है। और अदर गैसेस के लिए मैं इतना सा पार्ट अलग कर रहा हूँ, ये मेरा अदर गैसेस के लिए हो गया, ठीक है ये वाला पार्ट मेरा अदर गैसेस के लिए हो गया इज दैट क्लियर, ये मेरा अदर गैसेस के लिए हो गया, ठीक है तो ये वाला पार्ट हो गया अदर गैसेस। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं अदर गैसेस, ठीक है अदर गैसेस कितनी है 1% मैंने ये लिख दी, ऑक्सीजन 21%, अब आ जाइए नाइट्रोजन 78%, ठीक है इधर मैं दे रहा हूँ नाइट्रोजन, ठीक है नाइट्रोजन 78% इज दैट क्लियर। और इस पूरे में आप कलर करना चाहो तो पूरे में आप लोग कर सकते हो, ठीक है वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है करने की तो वैसे नथिंग नेसेसरी टू कलर डेट, ठीक है जरूरत नहीं है आप लोग करने की, ठीक है आप इसको सिंपल ही रख दीजिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गया 78% इज दैट क्लियर, ये हो गया आपके पाई चार्ट। तो नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है पाई चार्ट, ठीक है किसके लिए शोइंग लिखिएगा, पाई चार्ट शोइंग द कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर इज दैट क्लियर। तो पाई चार्ट क्या शो कर रहा है कंपोजिशन ऑफ एयर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम, कि टाइम क्या होता है और मेजरमेंट किस तरीके से टाइम का पुराने समय में करते थे, एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन समय में टाइम को किस तरीके से मेजर करते हैं, और मॉडर्न टाइम यानी कि अब के टाइम में समय को किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो टॉपिक डालिए टाइम, ठीक है इसमें लिखिए, मैं आपको बता दूं टाइम क्या होता है, टाइम एक मूवमेंट होता है, क्या होता है एक मूवमेंट, MOMENT, मूवमेंट का मतलब क्या होता है क्षण होता है, एक टाइम क्या होता है क्षण, या बोल सकते हैं एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है टाइम क्या होता है क्षण होता है या एक ड्यूरेशन होता है जिसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है यानी कि एनी थिंग ऑक्योर्स, यानी कि कोई भी घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग ऑक्योर्स
जो कुछ भी होता है एक क्षण में एक ड्यूरेशन में क्या कहलाता है, वो टाइम कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो लिखिएगा, लिखिएगा टाइमिंग में, टाइम इज ए मूवमेंट और ड्यूरेशन, लिखिएगा टाइम इज ए मूवमेंट, मूवमेंट और ड्यूरेशन, ठीक है। टाइम इज ए मूवमेंट और ड्यूरेशन, टाइम एक मूवमेंट है या ड्यूरेशन है, इन विच, जिसमें कि क्या होता है, इन विच थिंग थिंग्स ऑक्योर, जिसमें क्या होता है, कोई भी जो वस्तु है ऑब्जेक्ट है वो क्या होती है, घटित होती है, ठीक है। आगे लिखिएगा, द नॉलेज ऑफ टाइम, द नॉलेज ऑफ टाइम, टाइम का जो नॉलेज होता है, द नॉलेज ऑफ टाइम, ठीक है, ये एसेंशियल है, इज एसेंशियल, ई डबल सी ई एन टी आई एल, एसेंशियल फॉर केयरिंग, सी ए डबल आर वाई आई एन जी, ठीक है। तो नॉलेज, टाइम का नॉलेज होना एसेंशियल होता है, ठीक है, किस लिए, फॉर केयरिंग ऑन अवर डेली लाइफ, ठीक है, ऑन अवर डेली लाइफ रूटीन बोल सकते हैं, ऑन डेली लाइफ, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, एक्टिविटीज, डेली लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है, ये हो गया टाइम का। अब आप देखिए, हम जो टाइम को मीजर करते हैं, ठीक है, लिखिएगा वी मीजर, एम ई ए एस यू आर ई, हम जो मीजर करते हैं किसको, टाइम को, वो किसकी हेल्प से करते हैं, क्लॉक की हेल्प से, तो वी मीजर टाइम, ठीक है, वी मीजर टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स, किसकी हेल्प से करते हैं, क्लॉक्स यानी कि घड़ी की हेल्प से, एंड वॉचेज, ठीक है, दीवार घड़ी, घड़ियों की हेल्प से हम करते हैं। तो वी मीजर टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेज। अगली हेडिंग डालें, मीजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशियंट टाइम, हेडिंग डालें मीजरमेंट, एम ई ए एस यू आर ई एम ई एन टी, ठीक है, मीजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम का मीजरमेंट करना है हमें, यानी कि पहले जो प्राचीन समय में किया जाता था, ठीक है, मीजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशियंट टाइम, यानी कि प्राचीन समय में किस तरीके से टाइम का मीजरमेंट कर देते, ठीक है। पुराने समय की बात करें, ओल्डन डेज की, ठीक है, तो लोगों के पास क्या थी, घड़ी नहीं थी, क्लॉक्स नहीं थी, वॉचेस नहीं थी, तो कैसे करते थे, वो क्या करते थे, कुछ नेचुरल इवेंट्स का मेजरमेंट करते थे, कुछ नेचुरल इवेंट्स जैसे फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होते थे, नेचुरल इवेंट्स कैसे, जैसे कि मून का, ठीक है, कोई नेक्स्ट फुल मून आता है, न्यू मून आता है, तो इनके आधार पर, ठीक है, और पंचांगों के आधार पर, राशियों के आधार पर टाइम का मेजरमेंट किया जाता था। तो आप लिखें, द पीपल डिड नॉट, मैं थोड़ा बहुत लिखवा देता हूं, द पीपल डिड नॉट, ठीक है, लिखें, लोग बाग जो थे, द पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स, सी एल ओ सी के एक्स, क्लॉक्स एंड वॉचेस, लोगों के पास घड़ी नहीं थी, ठीक है, क्लॉक्स नहीं थे, ओल्डन डेज की बात करें, फॉर मीजरिंग टाइम, एम ई ए एस यू आर आई एन जी, फॉर मीजरिंग टाइम, ठीक है, इन ओल्डन, ओ एल डी ई एन, ओल्डन डेज, पुराने समय की बात करें तो लोगों के पास घड़ियां नहीं थी, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, द पीपल, ठीक है, द पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स एंड वॉचेस फॉर मीजरिंग टाइम इन ओल्डन डेज, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, ठीक है, इन एंशियंट टाइम, ठीक है, प्राचीन समय की बात करें, इन एंशियंट टाइम, ठीक है, पीपल, आगे लिखिएगा, लोग बाबों के पास, ठीक है, जो क्या यूज करते थे, यूज्ड सम, ठीक है, नेचुरल, लिखिएगा सम नेचुरल, क्या यूज करते थे, इवेंट्स, अब वो कैसे, विच, ठीक है, कैसे इवेंट्स होते थे, ईवी एन टी एस, इवेंट्स, विच रिपीटेड रेगुलरली, जो कि रेगुलरली क्या होती थी, रिपीटेड होती थी, ठीक है ना,
आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल, ठीक है, जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती थी, ठीक है, कॉमा लगा के लिखे टू मीजर टाइम, टाइम को मीजर करने के लिए, ठीक है, टू मीजर टाइम, तो आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल कॉमा लगा के लिखे टू मीजर टाइम, ठीक है। अब कौन कौन सी, जैसे फुल मून है, न्यू मून है, सनराइज है, ठीक है, तो आगे लिखिएगा, इसमें दो पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा इसमें द टाइम फ्रॉम, कौन सा टाइम, द टाइम फ्रॉम, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू, ठीक है, ध्यान से सुनना, द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून, ठीक है, यानी कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा फुल मून, ठीक है, वॉज कॉल्ड, उसे कहा जाता था, वॉज कॉल्ड, क्या कहते थे हम लोग, आ क्या कहते थे, मंथ, ध्यान देना, एम ओ एन टी एच, उसे मंथ बोलते थे, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा आप लोग, तो एक फुल मून से अगले फुल मून को तो एक महीना बोलते थे, ठीक है, यानी कि वन मंथ, और इसमें लिखिए द टाइम, ठीक है, लिखिएगा द टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू, ठीक है, क्या लिखा, द टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज, टू द नेक्स्ट सनराइज, ठीक है, द टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज, ठीक है, उसे क्या बोला जाता था, वॉज कॉल्ड अ डे, उसे एक दिन बोला जाता था, ठीक है, दोनों अंडरलाइन कर दिए मंथ और दिन को, इज दैट क्लियर, चलें आगे की तरफ, चलिए जी बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट उसकी, तो ये आप लोगों के हो गया, और एंशियंट टाइम में जो डिवाइसेस यूज में लेते थे वो कौन कौन से थे, तो नीचे लिखे नोट डाल करके लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, नोट डाल करके लिखे द इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या लिखा, नोट डाल करके लिखिएगा द इम्पोर्टेंट टाइम मीजरिंग डिवाइसेस, क्या लिखा, द इम्पोर्टेंट टाइम मीजरिंग डिवाइसेस, टाइम मीजरिंग डिवाइसेस क्या है, यूज्ड इन एंशियंट टाइम, यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स, ठीक है, प्राचीन समय में जो यूज में लेते थे वर, ठीक है, कौन कौन से होते थे, सनडायल है, ठीक है, एस यू एन डी आई ए एल, सनडायल लेते थे काम में, और क्या लेते थे, सैंड क्लॉक लेते थे काम में, सैंड क्लॉक लेते थे काम में, और क्या लेते थे, कॉमा लगा के लिखे वॉटर क्लॉक, ठीक है, वॉटर क्लॉक, ठीक है, फुल स्टॉप, आगे समझ में, क्या क्या लेते थे, सन डायल लेते थे, सैंड क्लॉक लेते थे, वॉटर क्लॉक, अब मैं आपको एक एक के बारे में बता देता हूं, सबसे पहले देखिए सन डायल, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालें सन डायल, सन डायल क्या होता था, ठीक है, सन डायल क्या होता था, जैसे कि सन से ही पता है आपको, सूर्य घड़ी, हिंदी में बोलते हैं सूर्य घड़ी, ठीक है, सन डायल क्या होता है, एक अर्लीएस्ट डिवाइस था, क्या था, एक अर्लीएस्ट डिवाइस था जो टाइम को मेजर करने के काम में आता था, और ये टाइम की मतलब ये क्या है, जो सन होता है, सूरज, ठीक है, जो सन होता है उस सन की क्या करता है था, पोजीशन के हिसाब से, मतलब सन की जो पोजीशन है और उसकी जो छाया बनती है, इस सन की जो छाया बनेगी, जो शेडो बनेगी, उस पर डिपेंड करता था, ठीक है, सन की शेडो पे डिपेंड करता था, तो सन की शेडो पे डिपेंड करता था, ठीक है, तो इसमें लिखे सन डायल, ठीक है, क्या लिखा, सन डायल इज वन ऑफ द अर्लीएस्ट, ई ए आर एल आई एस टी, अर्लीएस्ट, ठीक है,
अर्लीएस्ट, ELIEST, ठीक है, सबसे पहले टाइम को मेजर करने के काम में आता था ये, सबसे पहले यूज किया जाने वाला डिवाइस है। सन डायल इज वन ऑफ द अर्लीएस्ट, ठीक है, डिवाइसेस यूज्ड, ठीक है, क्या लिखा, डिवाइसेस यूज्ड फॉर किस लिए, मीजरिंग, MEASURING, मीजरिंग टाइम, ठीक है, फुल स्टॉप, किस पे डिपेंड करता था, आगे लिखे ए सनडायल, ठीक है, अब मेन चीज लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, ए सनडायल ये कैसे मीजर करता था, MEASURES, ठीक है, सनडायल मीजर्स ये जो सन की पोजीशन है उसकी पोजीशन, शेडो की पोजीशन के हिसाब से ये मीजर करता था। सन डायल मीजर्स टाइम बाय द पोजीशन ऑफ, लिखेगा बाय द पोजीशन ऑफ, ठीक है, बाय द पोजीशन ऑफ, ठीक है, द शेडो, लिखेगा SHADOW, शेडो कास्ट बाय, ठीक है, शेडो कास्ट बाय द सन, ठीक है, फुल स्टॉप, यानी कि जो शेडो बनती थी सन की उसके हिसाब से ही मेजर करने के काम में आता था, ठीक है, चले आगे, इतना सही मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें ज्यादा कोई डिटेल नहीं है बताने की, ठीक है, चले आगे की तरफ, आगे लिखिएगा, अगला लिखे एक लाइन का गैप दे करके, ठीक है, सैंड क्लॉक, ठीक है, सैंड क्लॉक, चैप्टर भी कंप्लीट होने को थोड़ा सा और रह रहा है, एक दो वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जो अर्लियर डिवाइस थी वो थी सैंड क्लॉक, जो कि क्या है, सैंड ग्लास या आवर ग्लास के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, लिखिएगा अनोदर अर्लीएस्ट डिवाइसेस, ठीक है, क्या लिखा, अनोदर अर्लीएस्ट डिवाइसेस फॉर मेजरिंग टाइम, फॉर मेजरिंग टाइम क्या है, वॉज द सैंड क्लॉक, ठीक है, वॉज द सैंड क्लॉक, ठीक है, सैंड क्लॉक थी, फुल स्टॉप लगा के लिखे, सैंड क्लॉक, फुल स्टॉप लगा के लिखो, जो सैंड क्लॉक है उसे किस नाम से जाना जाता है, सैंड ग्लास, ठीक है, सैंड क्लॉक इज ऑल्सो, ठीक है, सैंड, फुल स्टॉप लगा लिखे, सैंड क्लॉक इज ऑल्सो नॉन एज सैंड ग्लास, इसे सैंड ग्लास और आवर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान से लिखना, सैंड ग्लास और आवर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये इसमें जो सैंड भरी हुई होती है उसके फ्लो ऑफ सैंड के जो सैंड का फ्लो है, मिट्टी का जो फ्लो होता है उसी के हिसाब से मेजर किया जाता था, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लिखे, द सैंड क्लॉक, ठीक है, द सैंड क्लॉक यूजेज, क्या लिखा, द सैंड क्लॉक यूजेज द फ्लो ऑफ सैंड, ठीक है, यूजेज द फ्लो ऑफ सैंड, मिट्टी का जो फ्लो होता है, द सैंड क्लॉक यूजेज द फ्लो ऑफ सैंड, ठीक है, फ्रॉम, ब्रैकेट में लिख सकते हो, फ्रॉम वन ग्लास, ठीक है, क्या लिखा ब्रैकेट में, फ्रॉम वन ग्लास बल्ब, ठीक है, एक सेकेंड, फ्रॉम वन ग्लास बल्ब, ठीक है, फ्रॉम वन ग्लास बल्ब, ठीक है, टू, ब्रैकेट में लिखे अनोदर, ब्रैकेट कर दें क्लोज, ठीक है, टू अनोदर, ठीक है, आगे लिखें ब्रैकेट क्लोज के बाद, टू मेजर टाइम, ठीक है, टू मेजर टाइम, इज दैट क्लियर, ठीक है, इज दैट क्लियर, आगे चलते हैं थर्ड पे, वाटर क्लॉक, ठीक है, हेडिंग डालें वाटर क्लॉक, वाटर क्लॉक के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, टाइम की यूनिट और फिर सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आपकी बुक का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, और आज के इस वीडियो में काफी कुछ मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है, टाइम के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है,
पुराने समय में कैसे यूज करते थे टाइम का, सनडायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, और वाटर क्लॉक के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, टाइम की यूनिट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है, वाटर क्लॉक नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, थैंक यू।